विनोद 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 व्हाट्सएप पे विनोद, फेसबुक पे विनोद, इंस्टाग्राम पे विनोद, ट्विटर पे विनोद, हर जगह विनोद। मतलब पता नहीं, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा, पॉपुलैरिटी हो तो विनोद भाई जैसी। मतलब एक कमेंट किया, वो भी क्या किया, विनोद। तो अब इस विनोद को सुनते हो ना, मुझे ना अपने लाइफ के विनोद की याद आ गई। अब तुम कहोगे कौन विनोद, कहाँ का विनोद। तो एक्चुअली उस बंदे का रियल नेम विनोद नहीं था, बट अब विनोद से सिमिलर भी नहीं था, बहुत डिफरेंट नेम था उसका। तो मुझे अपने लाइफ की विनोद की याद आ गई। अब मैं स्टोरी टाइम बता रहा हूँ, और ये बात थी क्लास 9 की। तो क्लास 9 में ना, ये हमारी केमिस्ट्री टीचर को हमें कुछ प्रैक्टिकल्स दिखाने थे। तो प्रैक्टिकल दिखाने तो थे उसे, पर हमारी क्लास प्रॉब्लम क्या था ना कि हमारी क्लास का जो स्मार्ट बोर्ड था, जिससे प्रोजेक्टर यूट्यूब वगैरह सब कुछ चलता था, वो काम नहीं करता था। अब हम सब सेलिब्रेट करने लगे थे कि चलो भाई, अब हमें टीचर तो कुछ कराएगी नहीं, हम सब खुश हो रहे थे। लेकिन उल्टा ये टीचर ने इसकी जगह हमें पता है क्या कराया, वो हमें ले गई सामने वाली क्लास में जिनका प्रोजेक्टर काम करता था। हमें सामने वाली क्लास में ले गई, ये कह गई वहाँ पे मैं तुम लोगों को प्रैक्टिकल दिखा दूँगी। मैंने कहा अबे यार, ये क्या बात हुई। तो चलो हमें ले गई। अब वहाँ पे कुछ हमारा फिक्स तो था नहीं कि कौन कहाँ बैठेगा, तो फिर हम सब चले गए। अब जो विनोद था वो हमारे एक और फ्रेंड के पास बैठा था। उस फ्रेंड का हम क्या नाम रख सकते हैं, मेंशन तो करूँगा नहीं मैं वीडियो में, चलो सोचते हैं। हाँ, लहरी जी। तो विनोद जो है वो लहरी जी के पास जाके बैठ गया था। तो मतलब वो बैठ नहीं गया था, बस अपनी बुक्स वहाँ पे छोड़ के चला गया। मेरे को लहरी से कुछ बात करनी थी, मैं लहरी के पास गया। अब विनोद तक तो वापस आया, विनोद ने ना मुझसे कुछ बोला, बस मेरी तरफ देखा और उसका उठता हुआ हाथ सीरियसली मेरी तरफ आया, और इतनी गंदी चोट लगी, मतलब मेरे को तुम लोग कोई आइडिया ही नहीं है तुम लोगों, इतना गंदा मारा उसने मेरे को। उसके बाद फिर मैं सोच रहा भाई ये क्या बात हुई, भाई मैंने ना तेरे को कुछ बोला ना कुछ कहा, तो भाई सीधा आया, भड़क गया, लगा दिया वो। उसके फिर मैंने पूछा रीज़न क्या है, भाई तूने मेरे को क्यों मारा, रीज़न तुम लोगों को कोई आइडिया नहीं है क्या था। रीज़न ये था कि, बता ही देता हूँ, तो गाइस रीज़न ये था ना कि मैं विनोद की सीट पर बैठ गया था। द ओनली रीज़न वॉज कि मैं विनोद की सीट पर बैठ गया था। विनोद बस इसलिए, मतलब उसने मेरे को मारा कि मैं उसकी सीट पर बैठ गया। खैर, अब उसने मेरे बहुत चोट लगी, गुस्सा आया, फिर जैसे तैसे मैंने गुस्सा थूका, उसके बाद फिर मैं वहाँ से हट गया। अब ये होने के बाद जब उसके बाद फिर क्लास शुरू हो गई। अब मेरे बगल में जो मेरा दूसरा दोस्त था, अब दूसरे दोस्त का क्या नाम रखें, दूसरे दोस्त का नाम रखेंगे गजेंद्र भैया। हाँ, तो गजेंद्र भैया जो थे वो, मतलब फिर मेरे को काइंड ऑफ ट्रिगर सा करने लगा कि भाई अदनान ये क्या हो गया, मैं ना सहता भाई, मतलब सोच ये विनोद ने तेरे को ऐसा मार दिया, मैं ना सहता। अब मैं सोच, अब इसने ऐसे ट्रिगर करते 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 फिर मेरे को भी एक एग्रेशन सा आ गया कि यार मैंने इसको कुछ कहाँ बोला था जिसने मेरे को ऐसे ही मतलब बस मार दिया। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अभी पीरियड ख़त्म होने, तो फिर विनोद की क्लास लेते हैं। पीरियड ख़त्म हुआ, हम पहुँचे विनोद के पास, विनोद से अभी कुछ नहीं कहा। फिर जब विनोद पूरे मतलब ग्रुप में चिटचैट मस्ती वगैरह चिटचैट कर रहा था, मैंने विनोद की तरफ देखा, एकदम एक चमेट लगा दिया विनोद के गाल पे खींच के, मतलब बिल्कुल सूजी के लाल हो गया। फिर भाई विनोद सटक गया। उसके बाद फिर हमारे ये जो टीचर थी केमिस्ट्री वाली, वो आ गई, उसने हमें हमारे क्लास टीचर के हवाले कर दिया। अब मैं डर गया और विनोद भी डर गया कि अब क्या होगा, कि इसने तो हमें क्लास टीचर के हवाले कर दिया। अब हम समझ गए थे कि या तो क्लास टीचर हमारी लेने वाले, या फिर पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ बहुत बुरा, या तो प्रिंसिपल के पास भेज देंगे स्कोल्डिंग के लिए। तो हम दोनों समझ तो गए थे कि भाई कुछ बहुत बुरा होने वाला है हमारे साथ। तो हमने क्या डिसाइड किया ना कि एक काम करते हैं, ये मतलब एक बोला नहीं हमने, मैंने बस इसकी तरफ देखा, इसने मेरी तरफ देखा, और फिर हम दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी मिस्टेक्स के लिए अपोलोजाइज कर लिया। तो हमने अपोलोजाइज कर लिया मतलब भाई पे, उसके बाद फिर समझ रहे होंगे, उसके बाद फिर अपोलोजाइज कर लिया हम लोगों ने एक दूसरे से कि भाई देख, अगर एक दूसरे के बारे में उल्टा सीधा बोला तो फंसेंगे, तो हम बहुत गंदा, तो अपोलोजाइज कर लिया। इसके बाद जब फाइनली हम क्लास में आए, तो हम गए छतरी के पास, गजेंद्र के पास। भाई मतलब मजाक नहीं कर रहा, गजेंद्र पे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि मतलब यही बंदा था जिसने हम दोनों को ट्रिगर किया ये कहने के लिए कि यस वी आर अपोनेंट्स, एक दूसरे को पीट दो, फाड़ डालो, ये गजेंद्र का ही काम था। गजेंद्र को उस दिन बहुत पीटा, उसके बाद फिर हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए, मतलब बेस्ट फ्रेंड्स क्या, मतलब फिर नॉर्मल हो गया सब कुछ।
तो अब मैं तुम लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ ना कि देखो, इन लोगों से हमेशा दूर रहना जो कहते हैं कि मैं ना सहता मैं ना सहता, ये तुम्हारा कभी अच्छा नहीं चाहेंगे। मैं तुम्हें पहले गारंटी दे रहा हूँ, ऐसे लोगों से सतर्क रहना हमेशा से, ठीक है? तो ऐसे लोगों से हमेशा सतर्क रहना, समझे? तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो लाइक ज़रूर करना है। होप यू गाइस एंजॉयड। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना जितना हो सके इस वीडियो को। तो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।